ये हाथ ही कटा हुआ था सूक्ष्म में, तो इसलिए धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था ये हाथ, और धीरे धीरे सूखता ये हाथ जी। लोग तो बिल्कुल निराशा के गहरे कुएं में चले गए थे गुरु जी, आपका कोटि कोटि सहस्र बार जो है गुरु जी आपको धन्यवाद। खुश रहो बेटा। वो बैठ जाओ बेटा इनके पास। हाँ बेटा, आदरणीय गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। खुश हो बेटा, प्रसन्न गुरु जी आपकी बड़ी कृपा रही, आपकी कृपा के माध्यम से जो है मैं वन डे कर पाया। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। मस्त रहो बेटा। गुरु जी हवन के पश्चात आप आज पूरे होश में हो अब जी गुरु। पहली बार जी। आज आप पूरे होश में अपने आप को महसूस कर पा रहे हो कि हाँ है हम जी गुरु। लग रहा है जी गुरु जी, हवन मैंने कर लिया, मतलब अब मैं काफ़ी लाइटली फील, हल्का फील कर रहा हूँ अपने आप को, और मतलब कुछ मैंने सारे संकल्प कर लिए, सब कुछ कर लिया। कुछ कंधे में गुरु जी जकड़न अभी भी है, और सर में थोड़ा सा भारीपन, और चेहरे जकड़न नहीं है जी गुरु जी। अभी वहाँ से आपका एक हाथ सुन्नपन रहता था जी जी, सुन रहता था एक हाथ जी गुरु जी, सूक्ष्म में हाथ ही नहीं था, कटा हुआ था जी, और चेहरा भी गुरु जी बाएं साइड। सुन लीजिए बता रहा हूँ, ये हाथ ही कटा हुआ था सूक्ष्म में, तो इसलिए धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था ये हाथ, और धीरे धीरे सूखता ये हाथ जी, धीरे धीरे सूख जाता हाथ ही आगे चल के जी। अभी क्या हुआ है, नया लगाया गया सूक्ष्म में हाथ जी, ठीक टाँके लगे हैं, टाँकों को दर्द हटा दिया जाए, बैलेंस लेपन कर दिया जाए, बैलेंस, हल्का सा दर्द बना रहे, सेंसेशन बना रहे, बाकी हटा दिया जाए, बैलेंस। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चेक करिए हाथ, अब नहीं, अब फर्स्ट क्लास, खुश रहो। गुरु जी एक प्रश्न मेरी बहन के लिए है, वो लगभग 22 वर्ष की हो गई है, लेकिन उसकी स्मृति बिल्कुल बच्चों वाली है, मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर। आई तो है क्या? उस आई है गुरु जी, उधर खड़ी है। बुलाओ एक मिनट गुरु जी, शादी विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते हैं उसके लिए। शादी ऐसे कैसे करेगी, बच्ची की शादी करेगी? ये तुम्हारे रोग कष्ट थे बेटा जी, जो लाल रंग के घेरे में लिखे हुए हैं ये सारे कष्ट, ये आपके कष्ट थे पर्सनल, बाकी सब परिवार पढ़ लो कितने कष्ट में थे जी गुरु जी, 100% सही है गुरु जी, इतने भयानक रोग कष्ट थे, ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। आपको दंडवत प्रणाम है गुरु जी, आप ना होते तो मैं पता नहीं क्या होता मेरे परिवार का और मेरा, मतलब हम लोग तो बिल्कुल निराशा के गहरे कुएं में चले गए थे गुरु जी, आपका कोटि कोटि सहस्र बार जो है गुरु जी आपको धन्यवाद। खुश रहो बेटा, गुरु जी बहन आ गई है मेरी, आप खुश रहिए। क्या मतलब दिमाग नहीं काम करता, इसको क्या हो रहा था, ये सब पीछे का भूलती जा रही थी, धीरे धीरे भूलती जा रही थी, और दिन पे दिन छोटी होती जा रही थी, मेमोरी लॉस तेजी से हो रहा था। आंखें बंद करो, जितनी इसकी स्मृति सब नष्ट हो गई है, वापस ले जाए पूरी सृष्टि से खींच के, ओम शुद्ध वापस दी जाए, शु मेधा में प्रवेश कराई जाए, चित्त में ले जाई जाए, सक्रिय कर दीजिए, श्रुति स्मृति सब सक्रिय कर दीजिए, ओम। और इसको बड़ा किया जाए, इसका सूक्ष्म शरीर बड़ा किया जाए, इसके शरीर के बराबर उम्र के बराबर बड़ा किया जाए, शु बैलेंस, और एक शरीर निकाला जाए बिल्कुल कंकाल बना हुआ है, और अपनी तरह इसको बनाता जा रहा है, सुखाता जा रहा है, बाहर निकाला जाए शरीर, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए, इसके स्थान पर हष्टपुष्ट एक शरीर दरबार की ओर से लगा दिया जाए, ताकि हष्टपुष्ट हो सके, बैलेंस। शादी करने की जो स्मृतियाँ नष्ट थी सक्रिय कर दीजिए, कामदेव सक्रिय, शिव बैलेंस। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो, पांच बार ओम नमः शिवाय।
अब मूवमेंट करो, चलिए फिर ये, अब देखो छोटी लग रही है बड़ी हो, क्या हो, चल के आओ, देखो अपने फील करो, अब बड़ी लग रहे हो जी, कि जितनी हो उतनी हो जी, पहले छोटी लगती थी जी, अपने को छोटा महसूस करती थी जी, अब क्या लग रहा है, शादी करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, नहीं करना चाहिए नहीं, शादी नहीं, आंखें बंद करो, ओम शिव, बच्ची की स्मृति हटाई जाए, बड़ों के लिए बड़ा किया जाए उसको पूरा, बेटा अब बहन का हाथ पकड़ना है, एक हाथ पकड़ो, एक हथेली, आंखें बंद, शादी की स्मृति लेके डाल दी जाए, शिव, हाथ छोड़ दो, बैलेंस मस्तिष्क में ले जाइए, चित्त में ले जाए, सक्रिय कर दीजिए, शादी क्या होती दिखा दीजिए, बैलेंस, पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 काम दो थोड़ी कम बड़ा काम आसान, शिव बैलेंस, आँख खोल लो, वापस रखा जाए इसको पूरी तरह स्त्री होनी में, शिव पूरी तरह स्त्री होनी, आँखें बंद खोलो, सभी स्त्रियाँ इसको महसूस कराया जाए, हाँ अब जरा चल को चलो थोड़ा सा दस पाँच कदम देखें, बस खड़े हो, तो अब बताओ आंखें बंद करो, देखो शादी करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, अभी भी नहीं करना है? नहीं, अच्छा क्यों नहीं करना है? गुरु जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा ये ठीक है, यानी आगे शादी करना है, अभी नहीं करना है, थोड़ा बड़े होकर करना है, ऐसा जी गुरु, हाँ मतलब करना है ना शादी जी गुरु, आगे चल के जी गुरु, हाँ यही ठीक है, अब ठीक है, अब गुरु जी अभी शादी की बात नहीं हो रही, अभी नहीं करने की बात कर रहे, गुरु जी शादी की बात नहीं कर रहे, हाँ गुरु जी मेरे मतलब सर में बहुत दर्द होता है मेरा, आप कुछ नहीं, अब चेक करो, अब तो एकदम हल्की फर्स्ट क्लास, आप देखो है कुछ, गुरु जी मुझे कमजोरी बहुत रहती है, हाँ वीकनेस में बहुत रहती हूँ, अब जरा बैठो, हम बता रहे, बैठो आप, खड़ी हो, आपको लग रहा है कमजोरी? तो फिर सब खत्म, सब जितना था कष्ट था, श्वास श्वास फूलती थी, सब चला गया, खुश हो, खुश हो, खुश हो, खुश हो बेटा, गुरु जी पुनः आपकी स्तुति कर लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि महाहवन कर लें गुरु जी या ना करें? हाँ करना है, अच्छा दरबार की ओर से निशुल्क है वो जी, करना है, आप देखो इस तरह खिल गए कमल इसके, ऐसे हो गई, बढ़ गई ऊर्जा जी गुरु जी, आप एकदम फर्स्ट क्लास है, आप गुरु जी इस पर अपनी कृपा का अनुदान वरदान बनाए रखिए गुरु जी, मातृवत लाले त्रिच पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया, ओम श्री गुरुवे नमः, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा, गुरु जी अपनी कृपा और सदैव बनाए रखें, अपने चरणों में सदा मुझे रखें, खूब खुश हो बेटा, जय गुरु जी, खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न